हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ्लानर श्रेणी दशम पिले। आज क्लास रे आमे तुम परिमिति बहर गोटे सेक्शन अच्छी जार ना हूँ वृत्त, वृत्तकला आउ वृत्तखंड। ए तीनटार क्षेत्रफल संपर्क आम डिस्कस करवा। यह पूर्व आम अनुशूलन पाँच एक आलोचना करदे, जो मैंने देखिन निश्चित रूप देखिन। अच्छा पिला मैंने कहल आमे वृत्त कहले कौन बुझा, फटाफट आंसर दि। आमे समस्ते जानी जे वृत्त कहले आमे कौन बुझा ना बुझा, जे देख कि ए प्रकार गोटे फिगर थी नहीं कि जस्ट ए सेकेंड देख, ए प्रकार कि गोटे फिगर थी, तार गोटे मझे गोटे केन्द्रबिंदु थी जार ना आम ओ बोल पार नहीं कि यह आम वृत्त बोली कहचे। अच्छा वृत्तर क्षेत्रफल कहले आम कौन बुझा, देख पिले वृत्तर क्षेत्रफल अर्थ हूँ निजे वृत्त ठीक अच्छे ना, तापर वृत्तर अंतर्देश यहाँ हूँ तार अंतर्देश। तो निजे वृत्त आउ तार अंतर्देश को नहीं जो गोटे फिगर सृष्टि हो गोटे नुआ जिनिष जो सृष्टि होमें वृत्तर क्षेत्रफल बोली कहीपर। जिते आम वृत्तर परिसीमा कहचे तो से आमको केवल जस्ट ए सेकेंड मुझे इरेज कर दूचे आउ थे आरंभ कौच। जिते आम परिसीमा कहचे केवल वृत्तर यही धार को ही बुझे, किंतु जिते वृत्तर क्षेत्रफल कहचे से निजे वृत्त सहित तार अंतर्देश को बुझे ठीक अच्छे ना। बहुत बढ़िया, देख पे नेक्स्ट जिनस जस्ट ए सेकेंड देख, जिते आम वृत्त कहचे यहाँ हूँ वृत्तर केन्द्रबिंदु, ये कौन अटे वृत्तर केन्द्रबिंदु अटे बुझिपार। वृत्तर केन्द्रबिंदु तापर देख, केन्द्रबिंदु आउ वृत्त उपरिस्थ जेको बिंदु को जब गोटे रेखा जोड़ा ताब कौन ना ताब पे व्यासार्ध आस ठीक अच्छे ना। ताप देख व्यासार्धर पक्षपट जब आउ गोटे इमी गार टाणी जोटा कि पूरा सीधा गोटे सरल रेखा भाया थी आपको कह व्यास क्यास। तो ये देखिए व्यासार्ध ए पूरा है व्यास, यदि व्यासार्ध को आम आर ने तो व्यास ऑटोमेटिक आसव टू आर आसव, अर्थात व्यास व्यासार्धर सब डबल आसव ठीक अच्छे ना। तापर आसला वृत्तकला, यहाँ हूँ वृत्त कौन अटे यहाँ हूँ पे वृत्त। तापर देखिए आम वृत्तकला देखा कौन देखा वृत्तकला देख, किसी अलग जिनस ना वृत्तकलार अर्थ हूँ ए प्रकार आम गोटे वृत्त नवा वृत्तर केन्द्रबिंदु नवा ए प्रकार दुईट आम टाणी कौन ना व्यासार्ध टाणी ठीक अच्छे ना, दुटा व्यासार्ध टाणी। तो यहाँ देख पे दुटा जो व्यासार्ध आसला से दुटा व्यासार्ध को धरी जो गोटे चाप आसला यहाँ हूँ चाप। तो व्यासार्ध दुटा व्यासार्ध और तार चाप को नहीं जो फिगर सृष्टि हुए आम वृत्तकला कह, तो आपको जब अलग भाव में चित्र जो करवा तो इमेंट किसी आसो यहाँ हूँ निजे गोटे वृत्तकला अटे। वृत्तकलार क्षेत्रफल बोले कौन ना यार दुई व्यासार्ध गोटे चाप आ अंतदेश सबू जाक को कह जाए पे वृत्तकलार आम क्षेत्रफल बोली कहीपर ठीक अच्छे ना। देख नेक्स्ट, देख नेक्स्ट आसवे आमर वृत्तखंड कौन आस वृत्तखंड देख वृत्तखंड भले से बुझा। वृत्तखंड अर्थ कौन देख, ए प्रकार गोटे वृत्त अंकन कले यहाँ हूँ वृत्तर केन्द्रबिंदु, तापर आम गोटे जिया नवा कौन ना गोटे जिया नवा बुझिपना जिया गोटे व्यासार्ध ना अलग जिनस जिया बेले कौन आम यार पूर्व पार्ट्रे आम आलोचना करें अनुशूलन पाँच ही बेलू। तो जो मैंने देखिन देखी नब, तो जिया अर्थ कौन ना वृत्त उपरिस्थ जेको दुईट बिंदु को जो रेखाखंड जोग कराए जो रेखाखंड सृष्टि हुए ताक आम जिया बोली कहीपर। तो ये प्रश्न आसला वृत्त खंड आम क्या कह ठीक अच्छे ना, वृत्त खंड वृत्तखंडर अर्थ हूँ गोटे जिया, से जिया संपर्कित गोटे चाप यहाँ कह वृत्तखंड। तो आपको जब अलग फिगर करवा तो इमें किसी आसो यहाँ हूँ वृत्तखंड। वृत्तखंडर क्षेत्रफल कहले कौन बुझा ना से ही जिया से ही चाप आर अंतदेश आर अंतदेश ठीक अच्छे ना, यह वृत्तखंडर क्षेत्रफल बोली कह जाए बुझिपार बुझिपाल कि नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये जगार क्षेत्रफल फर्मूला विषय आम पे भिडियो आलोचना करवा ठीक अच्छे ना। चलो तो सर्वप्रथम आम जो वृत्त अच्छे पे वृत्तर
जस्ट ए सेकेंड देख तो प्रथम आम जो वृत्तर क्षेत्रफल विषय डिस्कस करदे देख ये गोटे वृत्त अंकन कली वृत्तर व्यासार्ध अंकन कली जहाँ को मु आर बोलदेली तो यार वृत्तर पिला मैंने क्षेत्रफल कौन हो पार देख वृत्तर क्षेत्रफल हम गोटे सूत्र अच्छी जहाँ को आम कह पाई आर स्क्वेयर ठीक अच्छे ना एठार पे पाइर भैल्यू के पड़ पार ना बैस बै सात पड़ पार किंवा तीन दशमिक एक चार पड़ पार ठीक अच्छे ना दुटा जगह भैल्यू सामान अटे पाइर भैल्यू बैस बै सात पड़ पार कि तीन दशमिक एक चार पड़ पार तो प्रश्न तुमको पाइर भैल्यू जहाँ पकेबाई कही थो तुम्हें सेटा ही पकेब जदि पाइर भैल्यू बैस बै सात पकेबाई कही तो केवल बैस बै सात पकेब जदि तीन दशमिक एक चार पकेबाई कही तो केवल तीन दशमिक एक चार ही पकेब आ मन इच्छा अलग किसी पकेब ना पकेले भूल ठीक अच्छे ना तो वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र हूँ पे पाई आर स्क्वेयर तीन बर्तमान देखिए वृत्त कला सरी वृत्त कला पूर्व आउ गए जिन पे रही देख कौन से जिनसटा ना आउट अच्छे पे वृत्त बलय अच्छे कौन अच्छी वृत्तर बलय अच्छी तो से बलय संपर्क आम डिस्कस करदे देख बलय बोले कौन देख जदिम दुईट वृत्त थोड़ा गोटे वृत्त देखा ता भर आउ गए वृत्त ठीक अच्छे ना तो यहाँ देख जो ये पार्टा आसला आपको आम कह वृत्त बलय कह ठीक अच्छे ना तो ये वृत्त बलय क्षेत्रफल सूत्र मत गोटे अच्छी वृत्त बलय क्षेत्रफल मत गोटे सूत्र अच्छी यार क्षेत्रफल देख कौन हो पार देख यहाँ है वृत्तर केन्द्रबिंदु यहाँ हूँ पे वृत्तर जो बहिस्थ वृत्तर व्यासार्ध मन को नी आर ठीक से प्रकार यहाँ हूँ अंतस्थ वृत्त अंतस्थ वृत्तर पे व्यासार्ध हूँ स्मल आर बहिस्थ वृत्तर व्यासद हूँ कैपिटल आर आउ अंतवृत्तर व्यासद हूँ स्मल आर तो यही समय रे जो वृत्त बलय आसला यार क्षेत्रफल कौन हो पार ना बहिस्थ वृत्तर क्षेत्रफल जब अंतस्थ वृत्तर क्षेत्रफल फेड़ा कहार अर्थ होगा मनकर पाई आस्कर हूँ बहिस्थ वृत्तर क्षेत्रफल नहीं आई स्मल आर हूँ आमर अंतस्थ वृत्तर क्षेत्रफल ठीक अच्छे ना तो यहाँ हम यार बलयर क्षेत्रफल सूत्र हम ठीक अच्छे देख एठारे पाई जदि मुझ कमन नेबी तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर आसव तो पाई होल इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ठीक अच्छे ना तो यहाँ हूँ वृत्त बलयर क्षेत्रफल सूत्र ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो बर्तमान आम नेक्स्ट कौन देखा ना नेक्स्ट देखिया पे मैंने जो मैं वृत्त कला आसला तार क्षेत्रफल कौन हो पार देख वृत्त कलार क्षेत्रफल देख वृत्त कला बेले कौन वृत्त कलार अर्थ हूँ दुईटी व्यासाद थी गोटे चाप थी तार एडा ए मझीटा को पूरा कह तार वृत्त कलार क्षेत्रफल तो मझीटा तो मुझे लिभे दूची ये मन रख कौन कहली दुटा व्यासाद थी गोटे चाप थी तार अंतदेश यहाँ कह वृत्त कलार क्षेत्रफल तो देख वृत्त कलार क्षेत्रफल सूत्र कौन अच्छी देख सूत्र हूँ थीटा बाई 360 गुणन पाई आर स्क्वायर ठीक अच्छे ना एठार आर हूँ दुईट व्यासार्ध थीटा हूँ यहाँ कह थीटा ठीक अच्छे ना जो केन्द्रस्थ कोण को कह थीटा आ पाई वैल्यू हूँ 2207 कि 3.14 पड़ो आर हूँ यार व्यासार्ध तुमको जदि गोटे वृत्तकार ये केन्द्रस्थ कोणर परिमाण आ दुईट व्यासार्धर दैर्घ्य जदि दे तेज वृत्त कलार क्षेत्रफल हम थीटा बाई 360 गुणन आई आर स्क्वेयर यहाँ हूँ वृत्त कलार क्षेत्रफल सेमती पे मैंने गोटे अच्छी वृत्त कला द्वयर क्षेत्रफल अंतर आउट कौन अच्छी कहली भला देखु तो वृत्त कला द्वयर क्षेत्रफल अंतर ठीक अच्छे ना देख यार अर्थ कौन देख पे यार अर्थ होगा देख मनकर गोटे इमित वृत्त देखिए ठीक अच्छे आउ गए भितर आउ गए वृत्त देखिए ओके दीट जाक वृत्तर पे मैंने केन्द्रबिंदु गोटे अटे तापर देख यहाँ बहिस्थ वृत्तर व्यासार्ध आई है अंतस्थ वृत्तर व्यासार्ध कि यहाँ बहिस्थ वृत्तर व्यासार्ध ये अंतस्थ वृत्तर व्यासार्ध तो यह समय देख
ଏବେ ଯେତିକି ମୁଁ ଡାର୍କ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତ କଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ତର। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ଯଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା? ତ ଆର ସୂତ୍ର ଯାକ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଆଗ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା, ଆଗ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି, ଆଗ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକଳା ରହିଲା ଏଇଟାର ବାହାର କରିବା, ଆଉ ବଟର ଆମେ ସାମ୍ନାଟା ଫେଡ଼ିଦେବା। କ'ଣ କହିଲି, ଆଗ ଏ ପୁରାଟା ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାହାର କରିବା, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ସିମ୍ପଲ। ଯାକ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିପାରିବ, ତା ବହିଷ୍ଠ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଯଦି ଆର୍, ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଯଦି ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯଦି ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ଆଉ ଏ ପୁରାଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍। ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବହିଷ୍ଠ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବୃତ୍ତ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଏତିକି ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ପୁରାଟା ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍। ମୁଁ ସେ ଏତିକିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖ ଥିଟା ବାଇ 360 ଗୁଣନ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ବାଇ 360 ଗୁଣନ ପାଇ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ଉଭୟରୁ ଥିଟା ବାଇ ଯେଉଁ 360 ଯେଉଁ ପାଇ ରହିଲା ତାକୁ କମନ୍ ନେଇଗଲି, ତାର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଥିଟା ବାଇ 360 ଗୁଣନ ପାଇ ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସୂତ୍ର, ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଚାପ ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ। ତ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ କିପରି ବାହାର କରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ୟା, ନାଇକି ଏଇଟା ହେଲା ଚାପ। ତ ଏଇ ଫିଗରଟା କୁହାହେବ ଆମର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କୁହାହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଦିନ ନା ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଡ୍ର କରିଦେବା। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ର କଲା ପରେ ଦେଖ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଦେଖ ଯେଉଁ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତ କଳା ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଳା ରହିଲା, ଆମେ ସେ ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଓ ଏକ୍ସ ବି, ସେଥିରୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଫେଡ଼ିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହିଲି ନା, ଆଗ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବୃତ୍ତ କଳା, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ସେଥିରୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ତ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମର ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୃତ୍ତ ବଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୃତ୍ତ କଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର, ଆଉ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।